हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधीर। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा पुराना स्टेज शो। 4 साल पुराना है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी इस टाइम के हिसाब से तो थोड़ा पुराना ही है। ठीक है, 4 साल पुराना ये स्टेज शो है। पवन सिंह और अक्षरा सिंह का शायद ही आपने ऐसा स्टेज शो देखा होगा। 2018 का ये स्टेज शो है। तब शायद इन दोनों के बीच कोई ऐसी अनबन नहीं थी, है ना, और तब साथ में स्टेज शो भी किया था। तो देखते हैं। ओके, बैक टू देन, मतलब क्या रहा था उस टाइम का टाइम और आज का तो हम जानते ही हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, ऐसे ना एक जोरदार ताली हो जाए। हो भैया, क्या बात है, पंडित जी अगले अंपायर छोड़ लेना, वो उनका भाव है। एक माइक दीजिए अक्षरा जी को। सभी लोगों को प्रणाम मेरा। कैसे हैं आप लोग? बहुत कम आवाज आ रही है, जोर से बोलना चाहिए ना। एक बच्चा चिल्ला रहा है। अच्छा, आप लोगों के बीच आके और थैंक यू पवन जी मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू करने के लिए हम लोग जो है पवन सिंह को, अक्षरा सिंह को या किसी को भी, यही लोग बनाते हैं, यही लोग बनाएंगे। ये अपने लिए भगवान है। ठीक है, भाव भाव अरे डांस ना करेंगे, बस खाली झूमेंगे झूमेंगे। अरे तो अनी के साइड ना है वो सुने, आओ इधर फोटो वहां के सब साथ साइड हो गई दिस। मैं खेलू तो हिले मोहरा नाभी में ना गलिया गलिया। 4 पॉइंट और बढ़ा के बेटा, हम लोग कैसे डांस किए थे बताना, इस गाने में याद है क्या था? गायिका रिकॉर्डिंग कर, आप लोगों के भी करेंगे। करवा जाना हो चारों तरफ से हाथ उठा के बताओ क्या बात लगाइए। आपने दिया है हार्टली, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने एक नया इतिहास बनाया। और जब जब आप जैसे लोग होते हैं इस धरती पर, इतिहास बनाया जाता है कि जब जब कर्ण बहाया जाएगा, द्रौपदियों को नग्न नचाया जाएगा और जब जब दुशासन जैसा शासक होगा इस देश में, महाभारत दोहराया जाएगा। बजाइए एक बार जोर से ताली अपने भाई के सम्मान में। ये आपका सम्मान है, ये आपका सम्मान है अक्षरा जी। मैं हार्डली आपसे इम्प्रेस हूँ कि आपने फिलहाल वही ही हमारे से कहा गए बहिया के हो न बलिया में धाइलस छपरा गईली ना के हो कुछ कहिलस। अबे भैया उठा देखा होती है मैंने कहे कुछ ना कोई बस कर दो। अमी लल्ला मन जो के बल मां छल छपी जा। अब आपका भाई बोला है ओरिजिनल बात सुनबू। ये तो बात हुई गई लेकिन हम इनके दिन एक तो गुनगुनाए की चाहत नहीं गुनगुना ली। तुहरा के बनाने
बहुत नाच गाना भाई। जैसे विजय लाल भैया बोले कि बाबू हम एक अच्छा गाना सुनने के चाहते हैं, मैं अपना एक फेवरेट सॉन्ग आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मेरा भी फेवरेट है। ऐसा नहीं लगा बहुत बात, क्या बात है, इसलिए मेरा दिल गदगद रहने लगता है, दुनिया के किसी भी कोने में गदगद रहता है कि पवन सिंह जब सैड सॉन्ग गाता है तो हमारे भाई दहाड़ देते हैं। जी जी क्या बात है, धन कमा लेला धन कमाइब साथे जाही कहां, इससे बड़ा धन कुछ हो ही नहीं सकता है, इस धन का कोई अंत नहीं है, आदमी नहीं भी रहेगा तो भी ये धन लहराते रहेगा। जी हो अरे सनेहिया लगा बहुत बात नहीं, नजरिया चोरा बहुत बात होला, सनेहिया लगा बहुत बात नहीं, नजरिया चोरा बहुत बात होला। हर जगह किसी बात को बोला कि मुझे अब कोई काम नहीं करना है, मैं गांव जाने वाला था, लेकिन हमारे बड़े भाई कुछ हैं, दीपक सिंह जी, जय सिंह जी और भी हमारे भाई बोले कि बाबू अब ये आपका जीवन नहीं है, आपका जीवन इस भाइयों के लिए, इन भाइयों के लिए। मैंने तो अपने लाइफ में हर चीज देखा, 31 साल उम्र भाई, क्यों क्यों कहेला कि भगवान उसी का परीक्षा लेता है जो सच्चा होता है, तो हे भगवान ऐसा ऐसा परीक्षा मत, ये शरीर है इसको ही बुला लीजिए, लेकिन इस शरीर के वजह से दूसरा कोई क्यों जाए, अपना तो लाइन ही यही है। मैंने सोचा था कि छोड़ दूंगा, लेकिन भाई बोले कि नहीं आपको करना है, तो मैं फिर से हंसना चालू किया आप लोगों के लिए। देखी देखी हम के अपना हंसता जमाना, पागल समाना हो गए भाई दीवाना, देखी देखी हम के अपना हंसता जमाना, इससे बड़ा धन और क्या कोई कमा सकता है, उतना समझ बच्चा वहां पे बैठे हैं तो वो मुझे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्या बात जियो बेटा जी, बड़ होके बहुत नाम कमाना, बहुत नाम कमाना है आपको, इंसानी हो गई है, आंख भर जाता है कभी कभी, केहू के रो बहुत बात नहीं, रो के हसा बात हो लगा इसी गाने में एक लाइन था, लाई के इशारा तू तो हर चल गईल जान से, सूरज के घाम हम तो देखन ही न तब से, असरा धरा बहुत बात नहीं, इधर जुड़ा बहुत बात होला। कोई भी हमसे गलती हुआ हो तो भाई आप लोग क्षमा चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो फिर से आऊंगा, जय माता, मिलते हैं।
क्या बात है यार, पता है क्या, इसे देख के लगता है कि मतलब इन दोनों को अलग नहीं होना चाहिए था, है ना। पता नहीं क्यों एक ऐसा फीलिंग आता है, सच अ क्यूट जोड़ी यार, सच अ क्यूट जोड़ी। ओके मतलब काफ़ी प्यारी जोड़ी थी इनकी, है ना। और मैं सच्ची बताऊँ, अगर ये फ्यूचर में कभी भी एक साथ आना चाहे ना, किसी मूवी में, किसी गाने में, या वैसे ही नॉर्मली एक साथ, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होंगी मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी, ठीक है। क्योंकि यार देखो, अनबन इंसानों में होती रहती है, ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, इंसानों की फितरत ही ऐसी होती है, उनका नेचर ही ऐसा होता है, अनबन ना हो, एक दूसरे में कोई कमी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन फिर भी अगर कभी फ्यूचर में अगर इन दोनों को एक साथ किसी गाने में देखा ना, मुझे बहुत खुशी होगी, सीरियसली बहुत ज़्यादा तो यार काफ़ी प्यारा स्टेज शो था, 4 साल पहले का था, लेकिन अभी भी, आज भी ये एकदम दिल को खुश करने वाला स्टेज शो है ना। सो आई होप आप लोग को भी ये स्टेज शो पसंद आया होगा, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।